हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं के लीगल नॉलेज। आज के इस लेक्चर में हमें यह समझना है कि रूल ऑफ लॉ को किसने डेवलप किया। रूल ऑफ लॉ क्या है ये तो हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये ओरिजिनेट कहां से हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये भी कर दिया डिस्कस। अब देखना ये है कि इसको फर्दर डेवलप किसने किया। तो एवी डाइसी, इसने एक अपनी बुक लिखी द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यह बुक 1885 में लिखी गई। इसमें तीन प्रिंसिपल्स बताए गए, प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। फर्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सेकंड, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और थर्ड, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स। अब हमें यह समझना है कि इन मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स में डाइसी ने क्या क्या जिक्र किया। तो फर्स्टली आ जाते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। डाइसी का मानना था कि लॉ मींस सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ को सुप्रीम होना चाहिए। उन्होंने आर्बिट्ररी पावर्स और डिस्क्रिशनरी पावर इनको एक्सक्लूड किया। किसी को भी उसके जुर्म की सजा उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक लॉ उसको गिल्टी प्रूफ न करे। कहने का मतलब यह प्रिंसिपल कह रहा है कि लॉ इज सुप्रीम। अब हम सेकंड, इक्विटी बिफोर लॉ, उसको देखते हैं। लॉ के आगे हर सिटीजन को, चाहे वो निचले तबके का हो या मिडिल क्लास का हो या हाई क्लास का हो, मिसाल तौर गरीब आदमी हो या गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो या कोई मिनिस्टर हो, लॉ के सामने सब बराबर। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इसमें, इस प्रिंसिपल में फ्रांस का जो लीगल सिस्टम है जिसको ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको क्रिटिसाइज किया। यह सिस्टम वो है जो अपर क्लास वालों के लिए एक कोर्ट है और लोअर क्लास वालों के लिए कोर्ट अलग बना हुआ। तो यह चीज जो थी
इस प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट, तो उसने इसमें जिक्र किया और उसका क्रिटिसाइज किया उसको। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पर्ट। देखें, कोई नाम होता है ना तो उसके नाम से ही पता चल जाता है। फर्स्ट में ला का जिक्र आ रहा है, सुप्रीमेसी ऑफ ला। सेकंड, इक्वलिटी बिफोर ला, वहां भी ला का जिक्र आ रहा है। इसमें प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल एक्सपर्ट, इसमें भी है ला, लीगल एक्सपर्ट, लीगल कानूनी, ला के मुताबिक इसमें भी है। इसमें राइट्स का जिक्र किया हुआ है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या और कोई हो। इसमें जिक्र किया हुआ है कि दुनिया के जो भी कानून दूसरे हैं उनमें उनके राइट हर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बॉडीड किए हुए हैं, लेकिन यहां वो नहीं। तो फिर इसने जोर दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट को डिफाइन करे, लेकिन उसको इन्फोर्स कर जो करना है वो कोर्ट ऑफ लॉ करेगी, कोर्ट ऑफ लॉ या जुडिशरी। वो राइट्स के गार्डियन होना चाहिए। इस पे हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन, काइंडली कमेंट। थैंक यू।